नमस्कार। क्लिनिकल गुरुजी के 20 ड्रग्स फॉर जीपी कोर्स में आज का हमारा लेक्चर मेट्रोनिडाजोल के ऊपर। जैसे इंसानों का समाज बटा हुआ है बहुत सारी जातियों में और धर्मों में, और हम अपना फायदा उठाने के लिए लोगों को बांटने में विश्वास रखते हैं, वैसे ही बेचारे बैक्टीरियाओं का समाज भी बटा हुआ है बहुत सारे विभागों में, बहुत सारे तरीकों से, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग होते हैं, ग्राम निगेटिव अलग होते हैं, और हम इस हर चीज का फायदा उठाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है तो इसको ऐसे मारेंगे, निगेटिव है तो इसको ऐसे मारेंगे, कोकस है तो ये करेंगे, बैसिलस है तो ये करेंगे, एटिपिकल है तो ये कर लेंगे, एनएरोबिक है तो ऐसा करेंगे और एरोबिक है तो वैसा करेंगे। तो इसी सिलसिले में जो हमारी आज की दवाई है वो है मेट्रोनिडाजोल, और मेट्रोनिडाजोल को एनएरोबिक बैक्टीरिया बिल्कुल पसंद नहीं, ये दुश्मन है एनएरोबिक बैक्टीरिया की। इसको कोई मतलब नहीं है तुम पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो, तुम बैसिलस हो कि कोकस हो, तुम एटिपिकल हो कि तुम प्रोटोजोआ हो, तुम बैक्टीरिया ही नहीं हो। अगर तुम्हें ऑक्सीजन पसंद नहीं है तो तुम मुझे पसंद नहीं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते क्या है और ये कहाँ रहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ काम की इतनी बात कि एनएरोबिक का मतलब वो बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन पसंद नहीं होती, जिसके लिए ऑक्सीजन जहर होती है। तो कभी आपने नाम सुने होंगे। अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि किसी बैक्टीरिया का नाम बताओ तो सबसे पहला नाम कौन सा आता है, मैं बताऊं, ज्यादातर लोगों को स्ट्रेप्टोकोकस आएगा, दूसरा कहूं ई कोलाई आ जाएगा, और कहो स्टेफाइलोकोकस आ जाएगा, बहुत कुरेदने जाऊंगा तो निसीरिया आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। पर अगर मैं आपसे कहूं कि बैक्टीरिया का नाम बताओ तो क्या किसी को प्रोपियोनी बैक्टीरियम आएगा, पार्वेटेला आएगा, फ्यूसो बैक्टीरियम आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कभी इनके नाम सुने नहीं, कभी आपने कल्चर रिपोर्ट में नहीं पढ़ा कि इसमें फ्यूजो बैक्टीरियम ग्रो किया गया है। एक बैक्टीरिया आपने फिर भी सुना होगा, क्लॉस्ट्रिडियम, क्योंकि आपने मेडिकल की तैयारी में बॉटुलिज्म नाम की पॉइजनिंग पढ़ी होगी, उसमें सुन लिया होगा, या जो ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं उनने सी डिफिसिल नाम का एक बैक्टीरिया पढ़ा होगा जिससे स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, उसके बारे में आइडिया होगा, वरना आपने ये फ्यूजो बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम कभी कल्चर रिपोर्ट में नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? क्योंकि क्योंकि एनएरोबिक बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम पे ग्रो करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं होते, होते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से होते हैं और अक्सर पकड़ में नहीं आते। दूसरे, जहां एनएरोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वहां केवल एनएरोबिक का नहीं होता, वहां और भी बहुत सारे इन्फेक्शन साथ में होते हैं। तो जो कल्चर ग्रो होता है वो पॉलीमाइक्रोबियल होता है, उसमें एक बैक्टीरिया नहीं मिलता। तो चूंकि एनएरोबिक बैक्टीरिया अकेला नहीं होता, पॉलीमाइक्रोबियल होता है, तो उसको पकड़ना और मुश्किल। इसीलिए मेट्रोजिल भी कभी अकेली नहीं दी जाती। एनएरोबिक बैक्टीरिया एक तो ग्रो नहीं होते, दूसरे वो हमेशा पॉली माइक्रोबियल कल्चर में ग्रो करते हैं, और बस आप मान के चलते हो कि इस व्यक्ति को अगर पेट में इन्फेक्शन हुआ है तो ग्राम निगेटिव होगा और साथ में एनएरोबिक का भी कवरेज कर ही लेते हैं। आपने हमेशा देखा होगा अपने सर्जन को ऐसा कहते हो कि एक काम करो, एक मेट्रोजिल भी चालू कर दो, कभी किसी कल्चर रिपोर्ट की बेस पे नहीं कहा, मान के चलाओ, ठीक है। तो कहां होते हैं ये एनएरोबिक बैक्टीरिया? सबसे कॉमनली होते हैं आपके दांत में, आपकी ओरल कैविटी में, और ये होते हैं आपकी गट में, और आपकी गट जब तक चल रही होती है तब तक वो ठीक चलते रहते हैं, जहां आपकी गट रुकी और ये बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। कैसे पहचानोगे कि यहां एनएरोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है? तो जहां भी कहीं कुछ सड़ रहा हो या दुर्गंध आ रही, मतलब घाव सड़ गया है, वुंड सड़ गया है, प्यूट्रिड स्मेल आ रही है, तब मानो कि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया का इंफेक्शन है। या अगर आपने एक शब्द अपने जीवन में सुना है, सुना ही होगा, एब्सेस। जहां शब्द आया एब्सेस, पेरीओडोंटल एब्सेस, टॉन्सिलर एब्सेस, हिपेटिक एब्सेस, लिवर एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, लंग एब्सेस, आपने एब्सेस शब्द सुना और मानो कि इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया है ही, क्योंकि जो चीज सड़ रही है, सड़ना मतलब ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन के साथ सड़ना, तो जहां भी कुछ एब्सेस होगा वहां पे हमेशा आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया मिलेंगे। और इन एनएरोबिक बैक्टीरिया का एक सबसे बड़ा दुश्मन है मेट्रोनिडाजोल। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया अकेले कभी नहीं मिलते, पॉलीमाइक्रोबियल होते हैं, इसीलिए मेट्रोजेल कभी अकेली नहीं दी जाती, और एनएरोबिक बैक्टीरिया आपके आसपास हर जगह है। ये आपकी ओरल कैविटी में है, ये आपकी गट में है, और ये इनके इन्फेक्शन होते ही तब है जब ये म्यूकोसल बैरियर तोड़ के बाहर निकल आते हैं, अदरवाइज ये आपकी ओरल म्यूकोसा में है और है, लेकिन इन्फेक्शन कब करेंगे? जब ये म्यूकोसल बैरियर तोड़ के अंदर घुस गए, और ये इन्फेक्शन सड़ते सड़ते दांत के नीचे से डीप नेक में भी हो जाता है, मरने को आ जाता है आदमी।
ऐसी लुडविग्स एंजाइना हो जाता है, आपने सुना होगा कभी, ये सब एनएरोबिक बैक्टीरिया का काम है। दूसरे, इनको सर्जन बड़े पसंद होते हैं, तो सर्जिकल वुंड में अगर इंफेक्शन है, अपेंडिक्स में इंफेक्शन है, वो एनएरोबिक बैक्टीरिया का है। आपने सुने होंगे तीन जहरीले बैक्टीरिया कौन कौन से, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलाइनम, टिटेनी और परफ्रिंजेंस। ये बैक्टीरिया डायरेक्टली इंफेक्शन नहीं कर रहे, ये अपने टॉक्सिन से आपको तकलीफ देते हैं। खैर, हमारा प्रॉब्लम आज एनएरोबिक बैक्टीरिया को पढ़ने का नहीं है, हमारा काम मेट्रोजेल पे जाने का है, हम उसकी तरफ चलेंगे। तो मेट्रोजेल एनएरोबिक बैक्टीरिया को मारती है, लेकिन मेट्रोजेल अकेली नहीं है जो एनएरोबिक को मारती है, और भी एंटीबायोटिक्स हैं। पहले उनके नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि सब दांत में दर्द हो रहा था, उन्होंने ऑगमेंटिन खिलाई पर मेट्रोजेल तो नहीं दी। तो ऐसा नहीं कि खाली मेट्रोजेल मारती है, मेट्रोजेल केवल एनएरोबिक को मारती है, लेकिन एनएरोबिक को केवल मेट्रोजेल नहीं मारती, और भी चीजें मारती है। कौन कौन सी मेट्रोजेल के अलावा, क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन कब देना, मेट्रोजेल कब देना, डायफ्राम के ऊपर क्लिंडामाइसिन, डायफ्राम के नीचे मेट्रोजेल। ये जितना आपका अंडरवियर से लेके टमी का इंफेक्शन, मेट्रोजेल, इधर ऊपर स्किन सब जगह क्लिंडामाइसिन। इसके अलावा पिप्जो यानी पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम, ये भी ग्राम निगेटिव को अच्छा मारती है। फिर मॉक्सक्लेव ऑगमेंटिन, इसलिए दांत के इंफेक्शन में मेट्रोजेल नहीं चलाते, वो मॉक्सक्लेव चला देते हैं। फिर कार्बापेनम, कार्बापेनम मैंने पहले भी पढ़ा है एंटीबायोटिक में, कि वो बम की तरह है, उससे सब मर जाते हैं। और टिजीसाइक्लिन भी एनएरोबिक के अगेंस्ट एक्टिव होती है। तो हमारी काम की ड्रग आज की मेट्रोनिडाजोल, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, टिजीसाइक्लिन भी एनएरोबिक के अगेंस्ट एक्टिव होती है। कार्बापेनम मैंने पहले भी पढ़ा है एंटीबायोटिक में, कि वो बम की तरह है, उससे सब मर जाते हैं। और टिजीसाइक्लिन भी एनएरोबिक के अगेंस्ट एक्टिव होती है। तो हमारी काम की ड्रग आज की मेट्रोनिडाजोल, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, केवल और केवल एनएरोबिक पे काम करेगी, उसको कोई मतलब नहीं है कि और दूसरे बैक्टीरिया वहां पे बैठे कि नहीं बैठे, बस वो आएगी, एक प्रश्न पूछेगी कि ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसने कहा कि नहीं चाहिए, बस खत्म। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो, चाहे ग्राम निगेटिव हो, चाहे कोकस हो, चाहे बैसिलस हो, ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, मर। बैक्टीरियासाइडल है, स्टैटिक नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन जैसी नहीं है कि उनकी ग्रोथ को कम कर रही हो, मार ही देती है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मजेदार बात है। आजकल खैर हम तो एक्सपर्ट लोग हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करने में, हमने इसका भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है, पर ओवरऑल अब भी इसका रेजिस्टेंस काफी कम है। किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में नहीं आती, ऐसा नहीं कि राइबोसोम पे है, कि बीटा लैक्टाम है, कि सेल वॉल है, डीएनए पे ही सीधा अटैक करती है, फोड़-फाड़ देती है उसके। इसका टिश्यू पेनिट्रेशन बड़ा अच्छा है, जमाने भर के टिश्यूज में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए ब्रेन एब्सेस का भी ट्रीटमेंट आप इससे कर सकते हो, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। लेकिन अच्छी बात यह कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, इसलिए आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, पर फिर भी ध्यान रखना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको मत देना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बड़ा रैपिड होता है, ओरली भी आपने दे दी तो जैसा ओरल काम करती है वैसी आईवी काम करती है, तो ओरल भी उतनी ही अच्छी है जितनी इंजेक्टेबल है। इकलौती दिक्कत यह कि दिन में 3 बार देनी पड़ती है, इसलिए आप ओरल डोजिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हॉस्पिटलाइज को मेट्रोजेल देना इजी पड़ता है, अगर व्यक्ति घर में है तो आप चाहते हो कि उसको ऑर्निडाजोल या सेक्निडाजोल या टिनिडाजोल जैसी चीज दो जो सिंगल ओडी डोज में काम करती है। दवाई बड़ी अच्छी है, पर क्या 8-8 घंटे में रिपीट करनी पड़ती है, 8 घंटे बाद इसका ब्लड में से लेवल ड्रॉप हो जाता है, आपने नहीं दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा सिंगल डोजिंग वाली ऑर्निडाजोल या सेक्निडाजोल जैसी चीजें हम ओरल में घर बैठे मरीज को देते हैं। भर्ती है तो सबसे बढ़िया आईवी मेट्रोजेल चला दो, ठीक। किन किन बीमारियों में देना, जैसा मैंने बताया आपको, तो वेजाइनाइटिस की बड़ी अच्छी दवाई है, चाहे वो प्रोटोजोआ से हो रहा हो चाहे ट्राइकोमोनास से हो रहा हो। अभी मैडम ने बड़ा अच्छा लेक्चर पढ़ाया है वेजाइनाइटिस पे, गायनेकोलॉजी कोर्स में, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो आप देख सकते हो उसमें। फिर जितने जमाने भर के एब्सेस हैं उसमें, फिर इंट्रा एब्डोमिनल इंफेक्शन में, पेट में इंफेक्शन है, मेट्रोजेल दे दो। सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, ऐड करो मेट्रोजेल। फिर लिवर और किडनी डिसफंक्शन में भी इसका डोज बहुत कम नहीं करना पड़ता, काम चल जाता है आपका। कितना देना है, 30 से 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दिन में 3 बार। ऐसे नहीं समझना है, एक बच्चे के हिसाब से हिसाब लगाते हैं, 15 किलो का बच्चा है तो अपन 30 टू 50 के बीच में अपन ने जोड़ लिया 40, तो
15 किलो का बच्चा है उसको 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम, मतलब 15 चौके 60, 15 किलो इंटू 40 600 मिलीग्राम, मतलब दिन में तीन बार देनी है तो 200 200 की तीन डोजेज आपने उसको दे दी। ठीक, बच्चे को देनी है 15 किलो के बच्चे को 200 200 200, एडल्ट है 500 या 400 टीडीएस। अब एक आखिरी बात कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसल कोलाइटिस क्या होता है। हमने देखा कि एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरते हैं, बड़ी एंटीबायोटिक से ज्यादा बैक्टीरिया मरते हैं, तो ये जो क्लिंडामाइसिन, एस्ट्रियोनाम, कार्बापेनेम्स यानी इमिपेनेम, मेरोपेनेम, दूसरे आपके एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स अगर किसी को लंबे समय तक चल जाएं तो वो मारते मारते हार्मफुल बैक्टीरिया के अलावा आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। और जब ये अच्छे बैक्टीरिया पेट में से खत्म हो जाते हैं तो एक राक्षस उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये सी डिफ या क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है और ये फिर ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का कोलाइटिस कराता है, और ये कोलाइटिस बड़ा रिस्की होता है, बड़ा खराब होता है। अगर वैसे ही खाली डायरिया के साथ ठीक हो जाए तो अच्छी बात, पर कई बार ये बिगड़ता है तो हाई फीवर आता है, किडनी बैठ जाती है, एल्बुमिन कम हो जाता है, तरह तरह के नाटक हो जाते हैं और मरीज मरने को आ जाता है। अब इस क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल को मारने के लिए फिर एक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ये उत्पन्न ही क्यों हुआ, क्योंकि आपने किसी को 8 दिन 15 दिन एंटीबायोटिक चलाई। तो अगर आपने किसी को कुछ दिन एंटीबायोटिक चलाई है और उसको डायरिया हो गया है 8-10 दिन के बाद, या हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक चलने के बाद डायरिया हुआ है, तो सोचो कि इसको कहीं सी डिफ तो नहीं है। अगर सी डिफ है तो बेचारा एनएरोबिक ही, मारेगा कौन, मेट्रोनिडाजोल। तो इसको हम देंगे मेट्रोनिडाजोल, या तो ओरल दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं, या फिर इसका जो दूसरा किलर है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का वो है वैनकोमाइसिन। और वैनकोमाइसिन भी कैसी, आईवी नहीं, ओरल। अभी आजकल बात चल रही है कि वैनकोमाइसिन ओरल बहुत महंगी पड़ती है, तो उसका एम्प्यूल तोड़ के मरीज को पिला दिया जाए, ये विदेशों में भी चर्चा चल रही है, अपने आप के लेवल पे मत करना। पर सी डिफ कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो या तो मेट्रोजिल है या फिर वैनकोमाइसिन है। कौन सी कब देंगे, अगर सीरियस नहीं है पेशेंट तो मेट्रोजिल, अगर पेशेंट सिक है तो वैनकोमाइसिन। ठीक, आखिरी बात, मेट्रोनिडाजोल के साइड इफेक्ट्स क्या क्या। मेट्रोजिल अगर आपका मरीज खा रहा है तो आप उसको बता के रखो कि भैया तेरे मुंह का स्वाद खराब हो सकता है, दूसरे तेरी यूरिन में डार्क कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है, घबराना मत। फिर अगर कोई मेट्रोजिल चल रही है किसी को तो आप उसे कहोगे कि भैया अभी कुछ दिनों तक दारू बंद करके रखना, अगर दारू पी तो तुझे अपनी जिंदगी से दुश्मनी हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि तू मरने को आ गया। क्यों, क्योंकि एक चीज होती है जिसको कहते हैं डायसल्फिराम रिएक्शन। डायसल्फिराम वो दवाई है जो लोगों की दारू छुड़वाने के लिए दी जाती है, महिलाएं इसको पीस के मरीज बंदे के खाने में मिला देती हैं और उसके बाद जब भी वो शराब पीता है उसको भयानक उल्टियां होती हैं। कैसे काम करती है वो, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक करती है, पर उसमें नहीं जाएंगे। पर अगर मेट्रोजिल खाई और दारू पी तो वही मजा आएगा जो डायसल्फिराम और दारू के साथ आता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों पैदा हुआ। फिर न्यूरोपैथी हो सकती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, और जितनी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन कराती है मेट्रोजिल। तो अगर किसी को मेट्रोजिल चल रही है तो उसको माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन में यानी स्टोमेटाइटिस हो सकता है, टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्लोसाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर की मेम्ब्रेन में सिस्टाइटिस हो सकता है और उसके कारण पेनफुल यूरिन आ सकती है। तो ये छोटा सा हमारा लेक्चर मेट्रोनिडाजोल का, जैसा कि अपनी परंपरा है मैं आपसे कहूंगा कि आपको इसके फीडबैक डिस्कशन में जरूर डालने हैं, इट इज अ मस्ट। आप डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं लेक्चर सही बना रहा हूं कि नहीं, मेरा डायरेक्शन